चालू करते हैं रिकॉर्डिंग के साथ। चरक संहिता सिद्धि स्थान का नवा अध्याय, त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय का हमारा आज का पांचवा लेक्चर है। और इससे पहले त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय में हमने देखा कि तीन मर्म जो है शिर, हृदय और बस्ती, उनके उनका महत्व देखा वो। ओके, सो हम थोड़ा सा ये करेंगे उसमें। ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। सो स्लो कनेक्शन वाज देयर, सो आई हैव जस्ट शफल्ड माय कनेक्शन। तो आज का हमारा पांचवा लेक्चर है और मैं रिकैप ले रहे थे, उसमें विशेषता हमने त्रिमर्मों का महत्व देखा। त्रिमर्मों के महत्व के बाद हमने मूत्र रोग जो 13 प्रकार के हैं उनकी विस्तार से चर्चा की, और इससे आगे का जो भाग है वो हमने आज जानना है, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो ये श्लोक जो है उसके साथ हमने समापन किया था पिछले लेक्चर में। दोषाधिक्यम अवेक्षितान मूत्र कृच्छ्र हरेर जये बस्तिम उत्तर बस्तिम च सर्वेषाम एव आप सर्वेषाम एव दापय। तो चिकित्सा विशेषतः मूत्र रोग की संक्षेपतः यहाँ पे इस श्लोक में बताई गई है। वो बताते हुए एक मूत्र कृच्छ्र जो लास्ट में हमने देखा था 13 मूत्र रोग देखते हुए, और वहां पे सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा मूत्र कृच्छ्र की कौन सी है, तो उत्तर बस्ती है। तो उत्तर बस्ती का महत्व प्रतिपादित करते हुए ये श्लोक बताता है, और वही फिर उत्तर बस्ती क्या है यह आगे जाके हमें देखना है। अब बस्ती के बारे में तो बहुत कुछ जाना है, लेकिन मूत्र कृच्छ्र में बस्ती यानी रेक्टल एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा वी शुड से एक्चुअली, एंड उत्तर बस्ती दैट इज द ब्लैडर एनिमा स्पेशली। ओके, तो यूरिनरी ब्लैडर में यूरेथ्रा से जो इंसर्ट की जाती है तीसरा बस्ती प्रकार, उसको देखना है। चरक विमान स्थान में भी अगर आपको रिमाइंड हो रहा है तो रोग विषयक द्वितीय अध्याय में स्पष्टतः वहां पे तीन प्रकार बस्तियों के वर्णन किए हैं, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती और उत्तर बस्ती। तो उत्तर बस्ती की चर्चा या विस्तार से विचार यहाँ पे किया जा रहा है थोड़ा बहुत, हम ऐसा कहे तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बस्ती नेत्र उत्तर बस्ती के लिए कैसा होना चाहिए और उसकी प्रोसीजर क्या होनी चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, ये विशेषतः इस अध्याय में हमें देखने को मिलता है। तो पुष्प नेत्रम तो हैम, तो यहाँ से पुष्प नेत्र यानी विशेषतः जो उसको यूज करने वाला कैथेटर रहेगा वो किस प्रकार का होना चाहिए, हम उसको बस्ती नेत्र भी कहते हैं। आस्थापन बस्ती या अनुवासन बस्ती के वक्त हमने वहां पे देखा था कि उसकी तीन कर्णिकाएं होती है, उसका विस्तार कितना होना चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए और उसकी क्या उसको कहते हैं व्यास या उसका हम ल्यूमेन कहेंगे, वो उसकी साइज क्या होनी चाहिए, सब विस्तार से देखा है। अब इस उत्तर बस्ती अध्याय में उत्तर बस्ती नेत्र का सबसे पहले वर्णन आ रहा है, उसे हम बस्ती नेत्र के लिए यहाँ पे शब्द प्रयोग आया है। हम जिसे कैथेटर का टिप कहेंगे या फिर नोजल कहेंगे उसके बारे में ये चर्चा है। तो वो किस धातु की होनी चाहिए, तो स्वर्ण और चांदी, ये दो ऑप्शन वहां पे दिए हैं। विशेषतः उसके गुणधर्म वो बताते हैं, श्लक्ष्ण यानी वो कैसा होना चाहिए, बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, खुरदरा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है यूरेथ्रल रूट जो है वो बहुत ही संकरा होता है। आगे बताते हैं उसका जो मुख है, जाति अश्वहन वृंतेन समम गोपुच्छ संस्थितम, तो गोपुच्छ के समान उसकी रचना होनी चाहिए। गोपुच्छ अगर आप देखें तो एक जगह चौड़ा रहता है ऊपर की ओर, और नीचे जो बालों की तरफ भाग आता है या एंड की तरफ, तो वो नैरो होता जाता है। तो इस प्रकार गोपुच्छ की तरह उसकी पूंछ के समान आकृति होनी चाहिए। और अग्रभाग के बारे में वो कहते हैं जाति, जाति यह जो है वो आपको पता है द्रव्यगुण विज्ञान विषय में देखा है, चमेली जिसे
सिंपल हिंदी में कहते हैं या मराठी में भी हम कहते हैं, तो उस चमेली का जो या कनेर का जो पुष्प है उनके वृंत के समान, यानी त्याचा देठ जो होता है, उसका डंठल जो होता है, उसके चौड़ाई का अग्रभाग, उसके समान चौड़ाई का अग्रभाग होना चाहिए। और सबंध आकृति जो है वो हमने देखी तो वो गोपुच्च के समान होनी चाहिए। अब आगे वो बताते हैं, रौप्यम वा सर्षप छिद्रम द्विकर्णम द्वादशांगुलम। तो उत्तर बस्ती के लिए बहुत ही आवश्यक जो भाग है वो बस्ती पूटक होता है और बस्ती नेत्र होता है। तो बस्ती नेत्र की यहाँ पे विस्तार से चर्चा की जाई है, की जा रही है, और वो उत्तर बस्ती के बारे में है विशेषतः। तो न केवल मूत्र रोगों के लिए अपितु जो संतति विषयक समस्याएं होती है, गर्भाधान नहीं हो पाता, कंसेप्शन नहीं हो पाता, ऐसे इनफर्टिलिटी के विशेषतः स्त्री विशिष्ट और पुरुष विशिष्ट दोनों के बारे में ये उपयुक्त होती है उत्तर बस्ती। उसका जो छिद्र है वो कैसा होना चाहिए, तो पीली सरसों जो होती है, सरसप छिद्रम द्विकर्णम द्वादशांगुल। तो सरसप यानी मराठी में मोहरी कहते हैं, ठीक है। तो वो जो सरसप है उसके छिद्र की, यानी उसका जो आकार होता है, आकृति होती है, आपको पता है मोहरी जो है बहुत ही छोटे आकार वाली होती है, उतना ही उसका वो प्रवेश कर जाए वो बीज, उतना ही उसका व्यास जो है वो छिद्र का होना चाहिए। अब पुष्प नेत्र यानी उसकी लंबाई जो है, अब देखिए यहाँ पे नेत्र बस्ती ऐसा शब्द प्रयोग न करते हुए पुष्प नेत्र ये शब्द प्रयोग किया है। तो यही पुष्प नेत्र अगर ऐसे क्यों आता है, तो उसको आपने जो उत्तर बस्ती के लिए नेत्र बस्ती यूज करने वाले हैं उसका वर्णन करना आवश्यक हो। तो उसकी लंबाई बताई है 12 अंगुल। अब आस्थापन बस्ती के लिए या अनुवासन बस्ती के लिए 3 कर्णिकाएं होती है, यहाँ पे 2 कर्णिका वाला वो होना चाहिए, ठीक है। अब जो पूटक के बारे में बता रहे, तेन अज बस्ती युक्तेन, अज यानी बकरी या बकरा, तो इस नेत्र को, पुष्प नेत्र को बकरी के मूत्राशय में बांधे, यानी बस्ती पूटक कौन सा यूज करना चाहिए, तो वो अजा बस्ती का करना चाहिए। अब जो द्रव्य लेने हैं उसका भी प्रमाण यहाँ पे बता देते हैं। देखिए, स्नेहस्य अर्धपलम नयेत। तो क्या है, स्नेह जो है वो आधा पल होना चाहिए, 1 पल यानी 4 तोला। हमने द्वितीय वर्ष में ये बहुत बार देखा है, कप कुप्र आद्रो, यानी कर्ष पल कुड़व द्रोण, आढ़क और द्रोण, तो ये 1 से 4, 4 से 16 इस प्रकार से हुआ जाता है। मैंने ब्लैक बोर्ड पर आपको समझाया अगर याद है तो आधा पल यानी 2 तोला स्नेह का प्रयोग होना चाहिए, यानी स्नेह द्रव्य जो है वो 2 तोला यानी लगभग 20 ml होना, या फिर और वो हमें भी फिर व्यक्ति विशिष्ट विचार करता है आयुर्वेद, तो इसलिए यथा वयो विशेषेन स्नेह मात्रा विकल्प्य। एक तो जनरल बता दिया आधा पल यानी 20 ml आप यूज करो, 2 पल यानी 20 ml लगभग, या फिर रुग्ण का जो वय है उसके अनुसार आप स्नेह की मात्रा स्वतः निश्चित करो। इस प्रकार से आपने उत्तर बस्ती के लिए सभी का जो यूनिट है या परिमाण है वो बता दिया, पुष्प नेत्र का बता दिया, उसके बाद बस्ती पूटक कौन सा यूज करना चाहिए और स्नेह की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अब आगे वो संपूर्ण विधि बताते हैं। तो उत्तर बस्ती का निर्माण या फिर उत्तर बस्ती विधि, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको ये सभी बातें वहां पे आनी चाहिए, लिखनी चाहिए। अब देखिए, ये केवल परीक्षा के लिए नहीं है, बहुत बार स्टराइल प्रिकॉशन लेके ऑपरेशन थिएटर में या ओपीडी बेसिस पे भी बहुत सारी स्त्री रोग चिकित्सा करने वाले वैद्य या स्त्री वैद्य है वो इनका बहुत अच्छे से रिजल्ट भी लेती है, इसलिए ये आवश्यक प्रैक्टिकल लाइफ में भी सक्सेसफुल प्रैक्टिस के लिए अत्यावश्यक विषय है। अब आगे कहते हैं, स्नातस्य भुक्त भक्तस्य, यानी जो रोगी स्नान कर किया है और उसने मांसरस या दूध के साथ भोजन ग्रहण किया है,
फिर मलमूत्र विसर्जन कर चुका है। जानू के बराबर ऊंचे जो है वो चारपाई या हम कहेंगे बेड, उस पे उसको अच्छा सा जिसमें कंफर्टेबल बेड है उस पे उसको सुलाना है। उसकी हाइट बता दी उन्होंने कि वो कितना होना चाहिए, जानू के बराबर। अब ऐसे रोगी के विशेषतः मूत्रेंद्रियों को उत्तेजित करके, अब ये पुरुष विशिष्ट शरीर के बारे में बता दिया है, तो पेनिस को उत्तेजित करके फिर वो जो यूरेथ्रल ट्रैक है वो अच्छे से हमें चौड़ा मिलता है, इसलिए ये क्रिया है। और उसमें फिर घी से लिप्त करके पहले प्रोब या शलाका यूज करने के लिए यहाँ पे कहा है। तो शलाकया अन्विष्य गतिम यत अति अप्रतिहता व्रजे। तो शलाका यानी प्रोब जो यूज करना चाहिए उसको घृत लिप्त करना चाहिए ताकि वो श्लक्ष्ण हो जाए और कहीं पे उसका घर्षण ना होवे इस प्रकार से। और फिर गति प्रोब से हमने जान लेनी चाहिए। अर्थात संक्षेप में कहे तो मूत्र मार्ग में कहीं अवरोध नहीं है ये कंफर्म कर लेना है। यदि यहाँ पे तथा शेफ प्रमाणेन पुष्प नेत्रम प्रवेशे, अभी ये रुजौ सुखोपविष्टस्य हृष्टे मिद्रे घृताक्तया ये हो गया और उसे गति जो है वो कंफर्म कर ली, उसके बाद अवरोध नहीं है कंफर्म करने के बाद जो मूत्रेंद्रिय की लंबाई होगी यानी पेनिस की लंबाई होगी उसी के बराबर जो पुष्प नेत्र है यानी अभी जो इसका हमने द्वादशांगुल ये वर्णन देखा तो वो प्रवेश कराना चाहिए। निश्चित है कि जो नैरो एरिया होगा उससे हम प्रवेशित कराएं। अब देखिए इसका जो प्रवेश है वो स्पष्ट यहाँ पे ग्रंथकार 55वें श्लोक में दिखते हैं। अगर आप यहाँ पे आप स्क्रीन देख रहे हो तो वहां पे आपको महसूस होगा। देखिए यहाँ पे गुदवत मूत्र मार्गे न, यानी जिस प्रकार गुद मार्ग में प्रयुक्त बस्ती की जाती है उसी प्रकार उसको देना, यानी मूत्र मार्ग में सीवनी के सामने पुष्प नेत्र का प्रयोग करना चाहिए। यदि पुष्प नेत्र का प्रवेश मूत्रेंद्रिय में उसकी लंबाई से अधिक हो जाता है तो वह बस्ती में क्षत उत्पन्न कर सकता है। ओके, इसीलिए मूत्र मार्ग की जितनी लंबाई है उतना ही आपने उसका पुष्प नेत्र का प्रवेश कराना है, ये महत्वपूर्ण बात है। उत्तर बस्ती का प्रयोग करते समय क्या है, कुछ और सूचनाएं दी है, देखिए सुखम प्रपीड्य निष्कंपम इत्यादि, यानी वो जो प्रवेश कराना है वो सुखम यानी बिल्कुल हल्के हाथ से, यानी वहां पे गड़बड़ी ना करे, हड़बड़ी ना करे या जर्दय ना करे। पुष्प नेत्र को बिना कांपते हाथों से यानी ट्रेमर्स बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए। अभी देखिए ये स्थिति आने के लिए आपको ये क्रिया अंडर ऑब्जर्वेशन, जिन्होंने बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं ऐसे आपके सीनियर या डॉक्टर, उनके साथ काम करना पड़ेगा और फिर आप इंडिपेंडेंटली ये कर पाओ। उचित दबाव के साथ सुखम प्रपीड्य, ये बस्ती पुटक को जो दबाना है वो यूनिफॉर्मली दबाना है, इसको हमने विस्तार से देखा है विशेषतः आस्थापन बस्ती के विशेष में विषय में। अब उत्तर बस्ती के द्वारा जो स्नेह है वो वापस लौट आने के बाद उसी प्रकार दूसरी तीसरी बस्ती का प्रयोग करना चाहिए, और दी गई बस्ती अगर वापस नहीं लौटती है तो कितना देर वहां पे आपने प्रतीक्षा करनी है वह भी बताते हैं। अनागच्छन उपेक्षस्तु रजनी विषितस्य च। तो ये जो 45 मिनट्स का ये गुद बस्ती के लिए अवधि बताया है निष्क्रमण नहीं होने का, कहां तक प्रवेश आपने प्रतीक्षा करनी है, तो उत्तर बस्ती के लिए वहां पे बताते हैं कि रात भर आपने उसकी राह देखनी है, ठीक है, और वो वापस नहीं आती, रजनी यानी रात्रि या नाइट वो नहीं आती है तो आप उसको क्या करना चाहिए यहाँ पे अनागच्छन न उपेक्षस्तु, तो अर्थात रात भर जो है वो प्रत्यागम की यानी लौटने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो स्पष्ट यहाँ पे बताते हैं। अब चक्रपाणि दत्त की जो टीका है
उनको हम आदर्श अध्यापक की भांति, वो हमारे साथ है तो उनको हम थोड़ा सा दृष्टिगोचर करेंगे। द्विकर्णिकम इति नेत्रे बस्ती बंधार्थम एकता कर्णिका। तो ये द्विकर्णिका जो कही है उसको विशेषतः देखेंगे हम। और द्विकर्णिका तो इसमें से एक कर्णिका जो है वो बांधने के लिए, यानी बस्ती पूटक वहां बांधने के लिए इस्तेमाल करना है। अब इसकी जो स्थिति है वह भी कितने डिस्टेंस पे वो होनी चाहिए, वो चक्रपाणी दत्त जी स्पष्ट करते हैं कि विशेषतः नेत्र बस्ती के लिए हम बस्ती पूटक जहाँ फिक्स करेंगे वहां पे परिधि कर्णिका होनी चाहिए, और जहाँ बस्ती का मुख जो है वो फिक्स किया जाता है वहां से दूसरी कर्णिका जो है वो 6 अंगुल दूर बनानी चाहिए। ठीक है, यह 6 अंगुल जो है वो मूत्रेंद्रिय का माप बताती है, यानी कितना हमने वो पुष्प नेत्र जो है वो प्रवेशित करना है उसका स्थान बताते। अब कुछ कुछ पाठों में जो है वो 2 कर्णिका की जगह 3 कर्णिका पाठ मिलता है, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पे 1 कर्णिका अग्रभाग से 6 अंगुल और मूल पर जो कर्णिका है उसी पे और 1 कर्णिका होती है जिससे बस्ती पूटक जो है वो ठीक से हम बांध सके। अब स्नेह मात्रा के बारे में उन्होंने 2 पल मात्रा बताई है, स्नेह कितना प्रविष्ट करना चाहिए, तो 20 ml लगभग, और वहीं पे वो बताते हैं या अथवा रुग्ण का जो व्यक्ति का जो वय है तो वय अवस्था के अनुसार, तो वय विशेष के आधार पर अगर उत्तर बस्ती में स्नेह द्रव्य की हम कल्पना करें विचार करें तो स्नेह का प्रयोग 25 वर्ष वाला पुरुष जो है उसके लिए ये जो 20 ml है वो ठीक है, और 25 वाले व्यक्ति को ये 2 तोला स्नेह देना उचित है। उसके आगे जो उम्र के अनुसार कम है तो कम देना है और ज्यादा है तो ज्यादा देना है। तो यहाँ पे ग्रंथकार सुश्रुत चिकित्सा का चक्रपाणी दत्त हमें यहाँ पे रेफरेंस देते हैं। देखिए ये जो रेफरेंस है, स्नेह प्रमाणम परमम प्रकुंचश्च अत्र कीर्तिताः 25 वर्षा सुश्रुत चिकित्सा स्थान 37 नंबर चैप्टर। तो उत्तर बस्ती में प्रयुक्त स्नेह की मात्रा जो है वह 1 पल, 1 प्रकुंच ऐसा शब्द प्रयोग किया है, तो 1 पल यानी कितना 10 ml लगभग। 25 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को स्नेह की मात्रा की योजना जो है चिकित्सा अपने बस्ती के बुद्धि के अनुसार निश्चित करें, ऐसे कहते हैं सुश्रुताचार्य जी। और स्नेही को निरुभा बस्ती में उत्तर बस्ती के 2 भेद होते हैं, स्नेहिक और निरुह। यहाँ पे उत्तर बस्ती के लिए भी 2 प्रकार सुश्रुताचार्य जी बताते हैं, वह है स्नेहिक और निरुह। और सबसे पहले स्नेह बस्ती का प्रयोग करें क्योंकि स्नेह की मात्रा का अभिधान यहाँ पे कर रहे हैं अत्र इत्यादि। तो सुश्रुत के मत के अनुसार अगर हम लिए तो उत्तर बस्ती में प्रयुक्त तो स्नेह की अधिकतम मात्रा 1 पल यानी 10 ml होती है, या 1 प्रकुंच ऐसा शब्द प्रयोग वो करते हैं, और यह मात्रा 25 वर्ष वाले पुरुष के लिए है। चरक अर्धपल मात्रा कहते हैं, ठीक है, तो सॉरी 1 पल यानी हमने मैं आपको 10 ml बता रहा हूँ सॉरी, तो वो है 40 ml, तो 4 कर्ष यानी 40 ml। तो सुश्रुताचार्य मैक्सिमम उसकी मात्रा बताते हैं 40 ml, और वही मात्रा हमने थोड़ी देर पहले देखी चरकाचार्य जी बताते हैं 0.5 पल यानी 20 ml। तो अब 25 वर्ष वाले कम के व्यक्ति को अगर हम मात्रा निश्चित करें तो उदाहरण के लिए देखिए 1 वर्ष का अगर बालक है तो 1 पल का 25वां अंश, ठीक है, तो 1 पल यानी कितना है 40 ml, तो 40 / 25 इतना उसका स्नेह की मात्रा हो। 2 वर्ष का बालक है तो प्रतिवर्ष का 1/25वां भाग यानी वो हो जाएगा 2/25वां भाग, ठीक है। तीसरे वर्ष में 3/25 भाग, चौथे वर्ष में उसी प्रकार से आगे आगे बढ़ाते जाना है तो 4/25वां भाग हो जाए, और इसी प्रकार से 25वें वर्ष में 24/25वां भाग प्लस और 1 भाग उसमें जोड़ दिया तो 1 पल यानी इस पद्धति से। तो ये जो मैंने अभी आपको वर्णन बताया पुस्तक में से,
तो ये डल्हन टीका में इसका विस्तार इस प्रकार से दिया है। ओके, तो इसी सूत्र को अगर हम ले मार्गदर्शन के रूप में, तो चरकाचार्य जी की जो 20 ml मात्रा है 25 वर्ष वाले व्यक्ति को, तो उसी प्रकार से वो हमें डिवाइड करने के लिए सुश्रुताचार्य जी की चिकित्सा स्थान 37 के ऊपर डल्हन टीका है उसका आधार हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसका अंग्रेजी जो विषय है वो वहां पे लिखा है, तो मैं थोड़ा सा जो प्रेजेंट स्टूडेंट है तो उनका स्नैपशॉट ले लेता हूँ, आगे चलेंगे। तो यहाँ पे ये सब बातें हमने देखी है तो इसको दोहराएंगे नहीं। आगे पिप्पल्यादिवर्ती निर्माण एवं उसका उपयोग, ये हमें मिलता है श्लोक क्रमांक 58 से 61 तक। तो ये पिप्पल्यादिवर्ती जो है उसके घटक द्रव्य सबसे पहले हमें मिलते हैं, पिप्पली, सेंदव, ग्रहधूम, अपामार्ग बीज, निर्गुंडी स्वरस, पीली सरसों, अमलतास यानी आरगवत का मज्जा, सहचर, फिर बड़ी कंठकारी, गोमूत्र, कांजी, गुड़। ठीक है, इस प्रकार वो घटक द्रव्य, प्रधान घटक द्रव्य मैंने आपको बता दिए। और निर्माण विधि जो है वो अग्रेतु सर्षपाकारा मूत्राम्ल पिष्टे सगुड़े वर्ती कृतवाम प्रवेशे, तो यहाँ पे बंधन द्रव्य की तरह गुड़ काम करता है। और किस आकृति की होनी चाहिए, तो गोमूत्र और कांजी में पीसने के बाद उसके जो घटक द्रव्य है उसमें मिल जाएंगे और उसको एक अच्छे स्लक्ष्ण ऐसे आप पेस्ट में परिवर्तित करोगे, या पेस्ट कहना ठीक नहीं रहेगा, उसको हम डव जो होता है यानी आटा भूनते हैं हम रोटी बनाने के लिए, उसकी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। फिर उसमें आप वहां पे शब्द प्रयोग करते सगुड़ई वर्ती, तो वहां पे गुड़ का भी इस्तेमाल करना है अपने आवश्यकता अनुसार। और फिर बत्ती के आकार का मराठी मध्ये वातीचा आकाराचा वो हम वर्ती बनाएंगे, और उसको क्या बताया वहां पे देखिए, छाया शुष्क करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम इसको धूप में सुखाएंगे तो गुड़ घटक द्रव्य है तो वो पिघल जाएगी, तो इस वर्ती को मूत्र मार्ग में प्रवेशित कराने के लिए ये वर्ती बताइए। विशेषतः इस वर्ती का आकार जो भी है वो भी कोपुच्छाकार होता है, आकृति आगे की ओर थोड़ी ज्यादा चौड़ी होती है और पीछे के भाग में, या हम नीचे कहेंगे उसको, उड़द के समान मोटा होना चाहिए। तो उसका आकार जो है वो माश यानी ग्रीन ग्राम का जो एक बीज होता है उसके समान। वर्ती की लंबाई जो है उसके बारे में यहाँ पे वो बताते हैं, नेत्र दीर्घा यानी बस्ती नेत्र या पुष्प नेत्र यहाँ पे शब्द प्रयोग है उत्तर बस्ती के लिए। नोजल वो द्वादश अंगुल बताए तो 12 अंगुल इतनी वो लंबी होनी चाहिए। ये वर्ती जो है वो उसके विशेषण आगे बताते हैं कि घृताभ्याक्ताम सुकुमार आम भंगुराम, तो न टूटने वाली सुकुमार यानी मुलायम वह होनी चाहिए। फिर इस वर्ती को आप वो घृत जो है वो लगा के उसको अच्छा स्लक्ष्ण कर दे और फिर मूत्र मार्ग में उसको प्रवेशित करें। अब इस वर्ती का प्रयोग किस लिए करना है, तो उसके गुणधर्म यहाँ पे बताते हैं कहाँ प्रयुक्त करने हैं। तो अगर बस्ती जो है अनुवासन बस्ती यानी हमें थोड़ी देर पहले स्नेह द्रव्यों की चर्चा की, वह अगर स्नेहे प्रत्यागते ताभ्याम अनुवासनिको विधि परिहारश्च स व्यापद स सम्यक दत्त लक्षणा, तो बस्ती अगर वापस नहीं लौटती है तो उस वक्त इसका प्रयोग करना चाहिए। अब विशेषतः परिहारश्च स व्यापद, अगर उत्तर बस्ती के कुछ व्यापद होते हैं तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। चक्रपाणि दत्त जी आगे वहां पे बताते हैं, वह स्पष्ट कर देते हैं कि यह जो बस्ती है वो क्या है, स्नेह को निकालने वाली है। स्नेहस्य प्रवर्तिकाम वर्तिम आह, ठीक है, यानी अगर वो जो रात भर प्रतीक्षा की और स्नेह अगर नहीं लौटा लगभग 12 आवर्स, तो स्नेह बस्ती को वापिस लाने के लिए आपने पिप्पल्यादिवर्ती का प्रयोग करना है।
इयम च वर्ती गुड़ पाकेन कठिना कर्तव्य यथा श्लक्षणा भवती। गुड़ में पकाकर अगर आपने ये वर्ती की तो वह कठिन हो जाती है। ओके तो पश्चार्धे इति मूले ऐसा एक शब्द प्रयोग और चक्रपाणी दत्त जी देखिए यहाँ पे करते हैं। वो स्पष्ट करते हैं कि वर्ती का पश्च यानी पिछला भाग जो है वो उड़द के समान मोटा होना चाहिए। यानी पिछला भाग उड़द के समान का तो अगला कितना होगा, जितना पुष्प नेत्र का बताया है वो सरसप के समान, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चौड़ा वो उड़द के समान होगा। अंगुष्ठ सन्निभाम इति पायो स्नेह प्रवृत्तिर अर्थ दीयमाना अंगुष्ठ समाना कर्तव्य। तो जब ये गुद बस्ती यानी रेक्टल रूट में बस्ती दी जाती है तो स्नेह की प्रवृत्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली वर्तियां जो है वो अंगूठे जितनी मोटी होती है। ताभ्याम इति गुदवर्ती एवं मेढ्रवर्ती यानी जो यहाँ पे उत्तर बस्ती के लिए इंसर्ट की जाएगी उनके द्वारा इसका प्रयोग करना चाहिए। कंपैरिजन बता देते हैं चक्रपाणि दत्त जी उसके आकृति के लिए या उसका जो परिमाण है उसके लिए। अब ये जो शब्द है परिहारश्च सव्यापत ससम्यक दत्त लक्षणा, तो उत्तर बस्ते है अनुवासनवत सेव्य परिहार व्यापत सम्यक दत्त लक्षणानि इति आह दिशन आह। तो अनुवासनी को विधि इत्यादि, तो इससे अर्थ क्या लेना है कि उत्तर बस्ती के लिए स्वतंत्र रूप से पथ्यापथ्य परिहार इत्यादि विषय का वर्णन नहीं है। तो वह वर्णन नहीं है तो क्या उसका उपयोग करें, कौन से मार्गदर्शन आप यहाँ पे समझे। तो चक्रपाणि दत्त हमें बताते हैं कि जैसे अनुवासन बस्ती में हमने देखा है पूर्व में पथ्य अपथ्य उपद्रव यानी व्यापद उसके या फिर सम्यक लक्षण जो है वह जो है अनुवासन बस्ती के जैसे ही आपने समझना चाहिए। तो अलग से वह नहीं करते द्विरुक्ति वहां पे वह नहीं करते और वहां पे अनुवासन बस्ती जो मार्गदर्शन आपको पथ्यापथ्य का परिहार इत्यादि विषय का बताता है वही आपने यहाँ पे फॉलो करना है। अब टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर बस्ती, तो ये उत्तर बस्ती को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक और विषय आपके सामने दिखाना चाहता हूँ, उसको हम समझेंगे। तो अभी मैंने चरक पूर्वार्ध क्या लेक्चर बनाते वक्त वहां पे कुछ हमने विषय देखा है तो उसको आपको सिर्फ आकृति समझने के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ। तो ये जो तीन बस्ती के प्रकार है वहां पे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो इस विषय को। ठीक है, मैं वो थोड़ा सा आपको बाद में दिखाने की कोशिश करूंगा, अभी मुझे वो रिकॉल नहीं हो रहा है ठीक से। तो स्त्रीणाम आर्तव काले तु प्रतिकर्म तदाचरेत गर्भासना सुखम स्नेहम तदादत्ते ही अपावृता गर्भम योनिस तथा शीघ्र। तो ये पूर्ण प्रयोग जो है वो किस काल में करना चाहिए अधिक उपयुक्त तो होगा, क्योंकि स्त्री विशिष्ट शरीर में आपको पता है कि मासी मासी रजस्त्री नाम ये जो आर्तव काल है ये विशेष है स्त्री शरीर और पुरुष शरीर में, इसलिए हमें वहां पे काल का जो है वो समय निश्चित करना पड़ता है। तो विशेषतः ऋतुकाल यानी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसमें उत्तर बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अब इसका कारण भी वो देते हैं, गर्भासना सुखम स्नेहम तद आदत्ते ही अपावृता। तो इस काल में गर्भाशय का मुख जो है वो विस्तारित रहता है डायलेट या खुला रहता है और जिसके कारण वह जो गर्भाशय है यहाँ पे शब्द प्रयोग किया है गर्भम योनिस तथा शीघ्रम जिते गृहणाति मारुते, तो जिसके कारण योनि शीघ्र ही स्नेह जो है वो ग्रहण कर देती है। अब उत्तर बस्ती के इस प्रयोग के द्वारा योनिगत प्रकुपित वायु जो है वो प्रशमित होती है जिते ग्रंथाति मारुते,
वात दोष जो है अच्छा प्रशमन के लिए उत्तर बस्ती श्रेष्ठ है, विशेषतः यहाँ पे उसका उल्लेख किया है और स्पष्ट बताते हैं शीघ्रम जिते गृह्णाति मारुते गर्भम, ऐसा शब्द प्रयोग है, गर्भम गृह्णाति यानी कंसेप्शन जो है या गर्भधारणा जो है वो शीघ्र होती है, तो उत्तर बस्ती श्रेष्ठ है गर्भधारणा के लिए, यहाँ पे हमें उसके संदर्भ मिलते हैं। तो और कुछ व्याधियां जो है इंडिकेशंस फॉर उत्तर बस्ती स्त्रियों में विशेषता वह यहाँ पे लिस्ट आती है, बस्ती जेशु विकारेशु योनि विभ्रंश जेशु च इत्यादि। तो बस्ती संबंधी विकारों में यानी यूरिनरी ब्लैडर डिसीजेस ऑफ विशेषता जैसे सिस्टोसिल होता है, योनि भ्रंश, तीव्र योनि शोल, योनि व्यापक, तो यहाँ पे जो चरक चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में विस्तार से चरकाचार्य जी बताते हैं योनि व्यापक, तो 29 प्रकार के योनि व्यापक, अश्रुक दर शब्द प्रयोग यहाँ पे किया, योनि व्यापक सु अश्रुक दरे, यहाँ पे आप देखते जाइए, अगर आपके पास टीका नहीं है ग्रंथ नहीं है तो आप स्क्रीन भी देख सकते हैं, यानी मेनोरेजिया या आप कह सकेंगे कि विभिन्न पद्धति की जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है इरेगुलर हो या एक्सेसिव हो ऐसी अवस्था में उत्तर बस्ती का उपयोग होगा। आगे अप्रस्रवती मूत्रे, तो मूत्र का भी जो मैंने अभी बताया बिंदुम बिंदुम स्रवती अपि, ये सिस्टोसिल जैसी स्थिति है तो बार बार मूत्र का त्याग या हम कहेंगे ब्लैडर कंट्रोल जो है वो कम हो जाता है, वो न केवल किसी व्याधि विशिष्ट है पर उसका टोन चला जाता है, विशेषतः उम्र दराज व्यक्ति जब हो जाती है। तो मैंने एक पेशेंट की अनुभूति आपको बताना चाहता हूँ कि इतना उनको ये सिस्टोसिल या यूरिन बूंद बूंद का मूत्र त्याग करना ये समस्या थी कि सी हैज टू यूज टू रेगुलर टेक यू नो सैनिटरी पैड्स लाइक मेंस्ट्रुएशन, तो उनकी हमने चिकित्सा की और उनको काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट भी मिले, वो रुग्ण जो है वो इतना परेशान था और उनको कुछ पॉलिसीज वगैरह है उसका ड्यूरेशन वो कुछ रह गया था और तब तक आयुर्वेद की वो चिकित्सा लेना चाहते थे, लेकिन बहुत ही उनका पेशेंस उतना रहा था खो चुके थे और बहुत लेटली वो पेशेंट आया था, तो उसको कंप्लीट तो हम क्योर नहीं कर पाए लेकिन वो जो 6 महीने का उनका अवधि था वो हमने आयुर्वेद की चिकित्सा से वहां तक लिया और फिर उन्होंने ऑपरेटिव वगैरह किया, तो उसके डिटेल्स हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो लेकिन औषधियां कौन सी इस्तेमाल की या कौन से इंटरनल शमन चिकित्सा दी वो आप बाद में पूछ सकते हो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। चलिए इसके बाद जो है वो पुष्प नेत्र का प्रमाण जो है वो कैसा होना चाहिए स्त्रियों में, क्योंकि पहले जो चर्चा हुई है वो पुरुष विशिष्ट शरीर की हुई है, अब समय अवधि जो है वो खत्म होगा हमारा जो 40 मिनट्स का लेक्चर है, तो आगे इस विषय को और थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हमारे। तो आपकी कुछ आशंकाएं हैं तो दोबारा इसी लिंक को हमने जुड़ना है, अगर आशंकाएं नहीं है तो जिनको आशंकाएं हैं वो जुड़िए, ठीक है, तो यहाँ हम आज रुकते हैं।